الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاطر لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الغيظ والطهارهم تطهيرا गरानी नवी और दसवीं मुहर्रम की पटेल पार्क की तकरीरों के बाद मुख्तलिफ मजलिसों में जिन अफकार को पेश करने की इज्जत हासिल की गई, आज अरबईन की आखिरी मजलिस में पटेल पार्क की जमा कर लेना मेरे अख्तियार से बाहर है, लेकिन न फकत इसलिए सिर्फ इसलिए तआरुफ हो सके और दुनिया उस पैगाम को पहचान सके जो पैगाम इन मजालिस के जरिए और जुलू से अजा के जरिए आवाम तक पहुंच रहा है। और यही है हासिल आपके उस पैगाम को बोलने वाला और बड़े से बड़ा इज्तेमा कुछ अपनी खुदी को देखकर बेखुद न हो जाए, इस वास्ते के हुसैन न कभी बड़े मजमे के मोहताज रहे न बड़े जाकिर के मोहताज रहे। गुर्बतों में जब पैगाम चला, तन्हाइयों में जब पैगाम चला, जमीन दोज मकानों से जब पैगाम चला, दो दो चार चार पुकारने वाले जमा हो गए, पैगाम बढ़ता चला, छोटे छोटे सोज और मरसिए पढ़ने वालों ने इस पैगाम को आगे बढ़ाया और फिर कुछ मातमदारों की जमातों ने इस पैगाम को 1384 तक पहुंचा दिया। ये आपकी खुशनसीबी है कि जमाने ने आपको एक जगह जमा कर दिया है। हुसैन आपके मोहताज नहीं है, इस मजमे को अब भी हुसैन की जरूरत है। तो अब आपने अंदाजा किया कि कभी किसी मौके पर कोई यह नकयाल करे कि ये जमीयत है, ये
हमारी तैदाद ये जरूरी है फरजंद रसूल के पैगाम की नशर इशात के लिए नहीं, उस पैगाम की नशर इशात इस तरीके से हुई, इस अंदाज से हुई कि आपको मौका मिल गया एक जगह जमा होने का और आपको मौका मिल गया मिल बैठने का, तो इसको गनीमत जानिए और उस हक को अदा करने की कोशिश कीजिए कि जो हक आपके जिम्मे है, जो जिम्मेदारी आपके सुपुर्द हुई है। 11:07 हो चुके, मेरे पास कुल 23 बाकी हैं और इस 23 के अरसे में मुझे एक अमर की तरफ मुतवज्जह करना है। इस दौरान में 10 मुहर्रम से लेकर आज तक मैंने मुख्तलिफ मकामात पर जो तकरीरें की उनमें एक अहम फिक्र थी और उस फिक्र का खुलासा ये था जिसको मैं आरजी तौर पर अपनी ही तकरीर से लेकर फिर आज बतौर याद दही आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो ये है कि अगर कुरान मजीद इस अम्र की तस्दीक कर दे कि अल्लाह ने हुसैन को इख्तदार दिया था, अगर कुरान मजीद इस बात पर गवाह हो जाए कि अल्लाह ने हुसैन को इतना इख्तियार दिया था कि अगर वो बददुआ करते तो मारे गए कर्बला की सूरत बदल जाती और ये लश्कर मिसले तबके आदि समूद हमेशा के लिए तबाह हो जाता, अगर कुरान गवाही दे, अगर कुरान गवाही दे तो क्या मिल्लत मुस्लिमा उस वक्त मान लेगी कि हुसैन ने इख्तदार को रखने के बावजूद सब्र किया। देखिए इसके बावजूद अगर कोई जमाने, इसके बावजूद अगर कोई तस्लीम न करे तो जाहिर है कि मुझे उसकी कुव्वत तस्लीम से गिला होगा और कुछ नहीं। लेकिन कुरान ने ये फरीदा, कुरान ने ये हक से दर्जे अतम अदा किया और साथे वाजिब का मंशा भी ये था कि उसके दोस्तों की मारिफत कमाओ, हक बहू हो जाए दुनिया का। इसलिए कुरान ने ये बतला दिया कि हुसैन को इख्तदार हमने कितना दिया है, कुरान ने बतलाया कि फातिमा को इख्तदार कितना मिला है, कुरान ने बतलाया कि हसन को इख्तदार कितना मिला है, कुरान ने बतला दिया कि अली को इख्तदार कितना मिला है। कुरान ने कोई तावील नहीं, तावील नहीं, आयत मैं पढ़ता हूं तर्जमा आप करें, आयत मैं पढ़ता हूं तर्जमा आप करें कि खुदावंदे अली आला ने क्या इतना इख्तियार इन अफराद को नहीं दिया था कि अगर गुस्से में आकर ये बद्दुआ कर दे तो दुश्मन सबका सब अपनी जगह छोड़ दे, तबाह बर्बाद हो जाए। क्या कुरान ने ये हवाला नहीं दिया, क्या मुफस्सरीन मुत्तफिक नहीं है इस अमर पर, क्या कुरान मजीद के अहम मकाम की शरह करने वालों ने इस अमर पर इत्तेफाक नहीं किया कि सूरह आले इमरान की वो आयत के जिसमें नसाराए नजरान से मुबाहला था कि जब वो राहब जो अपनी कुदसियत का सहारा लेकर अरब को मरऊब कर रहे थे कि हमारी दुआओं में इतना असर है कि जब हम बददुआ करते हैं तो पहाड़ टल जाते हैं और जमीन लरज उठती है, ऐसे ऐसे राहिब के जिन्होंने जिंदगी अपनी उज्लत गुजीनी में गुजारी थी वो सामने आके खड़े हो गए और ऐसे मौके पर कुरान ने उन अफराद को पेश किया, फकुल ताओ लो
न तो अपना अना वो अपना अकुम व निशा अना व निशा अकुम वो अनफुस अना वो अनफुस अकुम सुम्मा न तहिल फनज अल्लानत अल्लाही अलल काज़िबीन। कह दो ऐ रसूल के वो अपने बेटों को बुलाए, तुम अपने बेटों को ले जाओ, वो अपनी औरतों को लाए, तुम अपनी औरतों को ले जाओ, वो अपने नफ्सों को लाए, तुम अपने नफ्सों को ले जाओ, फिर मुबाहला हो और फिर बद्दुआ हो और फिर करार दो लानत झूठों की ताकि झूठे तबाह हो जाए। यानी इतना इख्तियार दिया कि अगला में जिसको ले जाओगे वो साहिब इख्तदार होगा, निशा में जिसको ले जाओगे वो साहिब इख्तदार होगा, अनफुस में किसी को ले जाओगे वो साहिब इख्तदार होगा। अगर आलम इस्लाम गवाही दे रहा है, अगर मुफस्सरीन कुरान गवाही दे रहा है कि मुबाहले की मंजिल पर अगला में कोई और गया तो वो साहिब इख्तदार, निशा में कोई और गया तो वो साहिब इख्तदार, अंकुशना में कोई और गया तो वो साहिब इख्तदार। जिसको खुदा पहले इख्तदार नहीं देता उसको आखिर में भी इख्तदार नहीं देता। नौजवानों के अगर पहले इख्तदार दिया है तो वह आकर तक है, इख्तदार देके छीनता नहीं, रिसालतें देके वापस नहीं लेता, नबुव्वतें अता करके फिर पेंशन नहीं देता है। इख्तदार एक मरतबा देता है तो ये समझ के देता है कि ये जर्फ है, तो उस इख्तदार को बर्दाश्त करता है। इतना इख्तदार दिया है कि इस इख्तदार के बाद जब मुसीबत में मुब्तला करेंगे तो इख्तदार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो फिर उस मंजिल पर आइए। मकसद क्या है मुबाहले का, मकसद मुबाहला क्या है? बद्दुआ, बद्दुआ कि हम बद्दुआ करेंगे और अल्लाह की लानत करार देंगे झूठों पर। उसका अंजाम क्या होगा? झूठे तबाह हो जाएंगे। उसका अंजाम यह होगा कि काफिर हलाक हो जाएंगे। चुनाचे उस अंजाम को पहचाना नसाराए नजरान के राहिबों ने, चेहरों को देख के कहा ये वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो यकीनन महबूब परवरदिगार, ये वो चेहरे हैं जो यकीनन मुकर्रबी ने पारगा है। अगर ये बद्दुआ करेंगे तो हम तबाह हो जाएंगे, यकीनन अजाब आएगा, यकीनन अजाब आएगा। तो अब आप समझ गए कि अगर कुरान के सूरह आल इमरान में आया मुबाहला है और अगर आए मुबाहला की तफसीर करते हुए पैगंबर हसन हुसैन को अली फातिमा को ले गए तो यकीनन उसके माना यह है कि इनका इख्तदार यह था, इनका इख्तदार यह था कि जब बद्दुआ करते दुनिया तबाह हो जाती, दुश्मन तबाह हो जाता। और एक अमर यह भी कि जरूरत नहीं थी इन अफराद की, न अबना की, न निशा की, न अनफुस की, बद्दुआ की मंजिल पर अकेले रसूल काफी थे। अकेले रसूल काफी काफी थे कि है रसूल जब नसाराए नजरान आए चले जाना तन्हा, कह देना कि मैं बद्दुआ करता हूं, मैं बद्दुआ करता हूं, मगर नहीं रसूल हमको तो उस सिलसिले को पेश करना है जिसको तुम्हारे बाद आगे बढ़ना है ताकि दुनिया जान ले कि इख्तदार को मुंतकिल कैसे कर रहे हैं, इख्तियार को मुंतकिल कैसे कर रहे हैं। इसलिए रसूल अकेले न जाए, अकेले न जाए। ये खैबर नहीं है, ये पदर नहीं है, ये खंदक की मंडी नहीं है, ये लड़ाई का मैदान नहीं है। लड़ाई के मैदान आनी है, पानी है, असरी है, मकानी है, जमानी है, मुबाहला जावेदारी, मुबाहला वैर पानी, मुबाहला हम अजीर
محیط ہم وقتی لے کے چلو لے کے چلو. تو اب یہ مختصر سی بات اگر سمجھ میں آئی اور اگر یاد رکھو گے کہ آلِ عمران کے سورے میں مباہلے کی آیت, مباہلے کی آیت کی تشریح میں دو نواسے, ایک بیٹی ایک داماد, بد دعا کرنے کے لیے چلے بچپن میں نواسے, اور اگر 57 برس کی عمر میں حسین اس اقتدار کو استعمال کرنا چاہے تو پروردگار بچپن میں تو میں نے اقتدار کو استعمال نہیں کیا, اب یہ لشکر میرے مقابل ہے, میرے بچوں پہ پانی بند ہے, میں اقتدار کو استعمال کروں؟ لیکن بصیرت معصوم نے یہ طے کیا, بصیرت معصوم نے یہ طے کیا کہ اگر اقتدار کو استعمال کرتا ہوں یہ لشکر ہٹ جائے گا, میں فاتح رہوں گا, جیوں گا, دنیا میرے قبضہ اقتدار میں ہوگی, انکا میتون و انہم میتون, اس دن مر جاؤں گا, تاریخ مجھے کبھی نوشیروان لکھے گی, کبھی کسرا لکھے گی, کبھی سکندر ذوالقرنین کی مثال دے گی, کبھی سلیمان بنا دے گی, مگر حسین بننا مشکل تھا, حسین بننا مشکل تھا جب تک کہ سجدہ آخر نہ ہو جائے. کیا خیال ہے آپ, باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر بد دعا کرتے حسین فرات کا پانی کھینے تک آتا اور لشکر الٹ جاتا, طبقہ آد و سمود کی طرح یہ کارخانہ ہی بدل جاتا, یہ بھی تباہ ہو جاتا, اس لیے کہ حسین مستجاب الدعوی ہیں. امام رضا سے دربار مامون میں علماء نے پوچھا کہ امامت پر دلیل کیا, امامت پر دلیل کیا, آپ نے جا سما علم اور امام کا مستجاب الدعوی ہونا, دو باتیں, ایک علم اور اس کا مستجاب الدعوی ہونا یعنی اس کی دعا قبول, یہ ہے مقام اقتدار, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے علم اور قدرت, آپ نے کہا علم اور اس کا مستجاب الدعوی ہونا کہ اس کی دعا قبول. پروردگار اب اس بلا کو ٹال دے, ٹل جاتی بلا, ٹل جاتی بلا, لیکن حسین چاہتے تھے, بصیرت معصوم کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے وہ رزق کو ملے جس کو حیات عقلی کہتے ہیں, مجھے وہ رزق ملے جس کو حیات نوری کہتے ہیں, مجھے وہ رزق ملے جو شہیدوں کو ملتا, اور جب وہ رزق مل گیا تو حسین جی گئے, جب حسین جی گئے تو اقتدار کو اس دن استعمال نہیں کیا, اب قیامت تک حسین کا اقتدار ہے. دیکھیے اس کے بعد بھی اگر کسی نے بھٹکنے کی کوشش کی تو حیف ہے اس پر, حیف ہے اس پر کہ جس کو بچپن میں مختار بنایا اس نے اپنے اختیار کا استعمال انتہائی مصیبت کے باوجود نہیں کیا, نہیں کیا, اور جاتے جاتے بہن سے یہ کہہ کے گئے بہن بد دعا نہ کرنا, بد دعا نہ کرنا, اور ہاں بہن نماز شب میں حسین کو نہ بھولنا, نماز شب میں حسین کو نہ بھولنا. اس کا انجام یہ ہوا کہ حسین نے رزق الہی کو پسند کیا اور آل عمران کی آیت گواہ ہو گئی کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, ان کو حیات ملتی ہے, اپنے رب کے نزدیک رزق پاتے ہیں, یہ رزق حسن ہے,
ये जो हयात मानवी ये हुसैन, ये हयात अकलानी ये हुसैन है कि हुसैन जी रहे। लेकिन हुसैन फकत यही नहीं जाते, कहीं पाने का भी होता है, वो अपनी शहादत भी चाहता है, अपने दोस्तों की भी शहादत चाहता है। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि फकत उनको रिस्क मिले, हुसैन चाहते थे मेरे दोस्तों को भी रिस्क मिले, मेरे दोस्तों को भी रिस्क मिले। वो नहीं जिसकी तलाश में तुम दुनिया में मुतफक्किर रहते हो, बल्कि वो रिस्क जहां हयात मानवी शुरू होती है, आवाज दे कि वो रिस्क हम दोस्तों को भी देंगे, दोस्तों को भी देंगे। इस तरह से देंगे, अल्लाह वो माता अला हुब आल मोहम्मद माता शहीदा, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत में वो शहीद मरता है, जो शहीद मरता है वो रिस्क पाता है, जो शहीद मरता है वो रिस्क पाता है। तो अब तकरीर को उस मंजिल पर पहुंचाते हुए जहां से मैं मसाइल को शुरू करना चाहता हूं, एक मतलब सिर्फ इतना आप करूं कि करबला, करबला उभर कर दुनिया के सामने इसलिए आई कि दुनिया हुसैन को पहचाने। भाई तवज्जो से ये जुमले सुनिए, दुनिया हुसैन को पहचाने। क्यों पहचाने? इसलिए कि हुसैन के भाई को जाने, इसलिए कि हुसैन के बाप का हक पहचाने, इसलिए कि हुसैन की औलाद को जाने। अगर हुसैन समझ में आ गए तो फिर कयामत का कोई हुसैन का आरिफ ये नहीं कह सकता कि हुसैन के पदरे के वाली ये गलती की थी। अगर हुसैन समझ में आ गए तो हुसैन के माँ बाप भी समझ में आए, हुसैन के भाई भी समझ में आए, आबिद बीमार भी समझ में आए, मोहम्मद बाकर भी समझ में आए, जाफर इब्ने मोहम्मद भी समझ में आए। अगर हुसैन समझ में आए, इसलिए मासूमीन ने पूरा जोर सर्क कर दिया कि खबरदार मजलिस से होशियार, इसलिए कि इसी जरिए से तुम हुसैन को समझोगे। और हुसैन को नहीं समझ सकते, इंसान नहीं हो। अगर हुसैन समझने तुम्हारे नहीं आते, तुम इंसान नहीं हो। इसलिए कि हुसैन को समझने में दुश्वारी क्या है, दुश्वारी क्या है? एक तरफ हुसैन, एक तरफ यजीद। कोई है और शख्सियत दरमियान में कि जिससे रिश्ता नाता हो, कि जिससे जाति ताल्लुकात हो, कोई और है? नहीं है। तो तय करो, या इधर या उधर, तय करो और आज तय करो, या इधर या उधर। जाहिर है कि अकलमंद आदमी उस तरफ नहीं जाएगा कि जहां जुल्म है, सर झुकाकर बहजार माजरत मुख्तलिफ बहाने बनाकर इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। तो उसको आने दो, आने दो, आहिस्ता आहिस्ता आने दो, और उसको समझाते जाओ मकाने इमाम क्या है। जब वो समझ लेगा तो अंदाजा करेगा कि हुसैन के माँ बाप कौन है, हुसैन की औलाद कौन है। इसलिए हुसैन को समझाने की कोशिश करो, करबला तारीख में वो मरकज इर्तेसाम है, करबला तारीख में वो ग्राफिक पॉइंट है, करबला तारीख के सफे पर वो फिक्र के लिए एक मरकजी तकय्युल है कि जहां से आप पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के अरबईन के मौके पर, अय्याम अज़ा के खात्मे पर हर दोस्त ने यही तय कर लिया कि अब हम हुसैनी बनने की कोशिश करेंगे, हुसैनी बनने की कोशिश करेंगे। यह फिक्र मुस्तमर रहे, यह फिक्र मुदाम रहे। अपने दोस्तों से कहो, अपने अजीजों से कहो, अपने दफ्तरों में कहो, अपने कारखाने में कहो, जिस मकाम पर जाते हो वहां जाके कहो कि हमको फिक्र ही अख्तलाफात की फिक्र नहीं है कि कौन सुन्नी है कौन शिया है, हम सिर्फ अब यह देखना चाहते हैं कि आले मोहम्मद का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आप समझे? और अगर ये तय कर लिया तो दोस्ती का तकाजा ये, दोस्ती का तकाजा ये है कि उनको याद करो, दोस्ती का तकाजा ये है कि उनको पहचानो, उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलो। बस हो गई गुफ्तगु, इससे ज्यादा कुछ नहीं अर्ज करना है। मदीने तक सवारियां पहुंच गई, मदीने तक सवारियां पहुंच गई, और इस आजम के साथ पहुंची
इस आजम के साथ पहुंचे मदीने तक सवारियां कि नाना जो काम हमारे जिम्मे किया गया था नाना हमने उसको अदा कर दिया। नाना हमारे जिम्मे ये काम था कि शाही इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को धोखा दे रही थी कि हम इस तख्त ताज के जायज वारिस है। नाना तेरी नवासी ने दरबार में जाकर यह साबित कर दिया कि ये दरिंदे ये हैवान ये जानवर ये इंसानों के दुश्मन हक नहीं रखते इस्लाम का नाम लेने का। नाना तेरी ज़ैनब ने यह साबित कर दिया कि इनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब गुफ्तगु समझ में आई। सन 61 हिजरी में या हुसैन थे या यजीद, करबला तक पहुंच के हुसैन ने उस कारवां से यह कहा कि हम यहां रुके तुम बढ़ो। उनका रुकना जरूरी था इसलिए कि वहां सजदे की जरूरत थी, कुर्बानी की जरूरत थी ताकि तकर्रुब मिले, ताकि कौसर की तफसीर हो। अब तर समझ में आए। सजदा किया, कुर्बानी दी, कौसर की तफसीर दी, अत्तर को समझाया, काफिले को रवाना किया। आगे बढ़ो। काफिला गया, शाम पहुंचा। शाम पहुंच के काफिले ने बतला दिया कि अगर से आज फतह मक्का के दिन मेरे जद ने जो अबा अबू सुफियान के कांधे पर डाली थी उस अबा को पहनकर उसका पोता तख्त बैठा हुआ है, धोखा न खाना। उस अबा को पहनने से धोखा न खाना। सर हुसैन तस्वीर है। बातें समझ में आ रही। फतह मक्का के दिन अबू सुफियान को कदमों पर लाके डाल दिया गया तो रहमतुल लिल आलमीन ने कांधे से अपनी रिदा उतार के अबू सुफियान के कांधे पर डाल दी। बरकत जूही के लिए औलादे अबू सुफियान में वो रिदा आई। जब मोहम्मद की नवासियां दरबार में आई तो बादशाह है वक्त उस रिदा को होड़े हुए। ज़ैनब का काम यह था कि वह बतला दे कि ये आसार अगर कहीं जाते हैं तो उसके माना ये कि हकीकत भी कहीं है। घबराना नहीं, बेनकाब कर दिया और उसके बाद मुतमईन चली, मसायब को झेलते चली और ये कहते हुए चली कि मैंने अपने फरीजे वादा कर दिया। शाम के कैद खाने पर से काफिला गया। जना ने शाम को आगाह कर दिया, मेरी बच्ची यहां रह गई है, जरा ख्याल रखना, एक बच्ची को छोड़ के जा रही हूं, जरा ख्याल रखना। करबला आई, भाई को सलाम किया और कहा ज़ैनब के लिए जो आपने फरीदा मुनासिब ख्याल फरमाया था अब आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप खुद साथ थे, आप जानते हैं अच्छी तरह से बहन ने उस फरीजे को अदा किया कि नहीं। मैं तो पुरसे के लिए आई हूं। वो सीने पर सोने वाली चल बसी शाम में। बस्ती को बसाया करबला जी, काफिला हम आ गए, सफर हुआ। आप इसे बीमार ने का फूफी अम्मा का इरादा नहीं है चलने का? इरशाद फरमाया बेटा क्यों नहीं, मदीने ही तो जाना है। नाना के रोजे ही पे जाऊं। मुझे यहां क्या काम है। इस अज़्म से चलू, इस इरादे से चली। काफिला तैयार हुआ, सब बीबियां सवार हुई,
और उसी शान से अहतमाम किया काफिले का जैसे हुसैन अपनी जिंदगी में अहतमाम करते। जब सब सवार हो चुके तो कब्र की तरफ देखा, देखा तो बीबी कब्र से लिपटे हुए रो रही है। नजदीक आए, शाना हिलाया, देखा उम्मे रबाब है। कहा भाभी, भाभी कारवान जा रहा है, भाभी आप नहीं चलेंगी? कहा शहजादी मदीने में क्या काम है, एक बच्ची शाम में है, एक बच्चा यहाँ है, वाली जी या कब्र। दीदी अब मैं शाम नहीं आई, अब मैं मदीना नहीं आऊ। दो चार दकी किया गया, शहजादी उम्मे रबाब कर्बला में रह गई। शहजादी की सवारी चली, मदीने के करीब सवारी पहुंची। जैसा कि अर्ज करते हुए आ रहा हूं और अब समाप्त कर रहा हूं, खुलासा पेश कर रहा हूं, आपके बीमार से सिर्फ इतना पूछा, बेटा क्या ख्याल है, अगर जाते ही अहले मदीना पूछे क्यों रहना तेरे बाजुओं में रस्सी बंधी थी, मैं क्या जवाब दूं? का पुत्री अम्मा घबराए नहीं, ये हमारी फजीलत है, जिल्लत नहीं, ये हमारी फजीलत है पुत्री अम्मा, जिल्लत। आप शौक से बयान कर, काफिला आगे बढ़ा, बशीर ने इत्तला दी, अहले मदीना यसरब रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन कत्ल हो गए। रोला जिस कदर रो सकते हो, बशीर बयान करता है जैसे ही मेरी आवाज बुलंद हुई, एक मरतबा मदरसों के बच्चे दौड़ते हुए आए, मेरी सवारी वगैरह, और एक एक बच्चा पूछता जाता था क्यों बशीर और मोहम्मद आ गए, क्यों बशीर आसिम आ गए, क्यों बशीर अली अकबर कहां है। ठहरो ठहरो, तफसील मालूम होती है, चलो रोजे को। पूरा कारवान रोजे की तरफ चला। बशीर कहता है न भूलूंगा, हजारों पूछने वालों के अंबोह में हसरत उस बच्चे की जो एक ज़ईफ़ा का हाथ थामे हुए बड़ी हसरत से मुझे देख रहा था। जब मेरी सवारी करीब पहुंची तो वो कमसिन बच्चा जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे, एक मतलबा उसने उस ज़ईफ़ा के हाथ को झटका दिया, हाथ को छुड़ा के वो दौड़ा मजमे में आया। मैं ये सोच करके कहीं बच्चे को मजमा राउंड न डाले, मैं सवारी से कूदा, बच्चे को मैंने गोद में उठा लिया। मैंने कहा बताओ बाबा का क्या नाम है? कहा अब्बास। अब्बास, बशीर कहता है वो बीबी कौन है जिसका तुम हाथ छोड़ के आए? क्या मेरी दादी है, उम्मुल बनीन है, जिसके चार बेटे गए थे कर्बला में, बच्चे को ले जाके बशीर ने वहां छोड़ दिया। क्या बीबी शहजादियां आ रही है रौदे पे? अब ये आखिरी जुमले रौदे के सामने, पूरा मदीना था, पूरे बनी हाशिम थे, हाशिमियात थे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार थे, मोहम्मद हनफिया थे, सारे अइज्जा मौजूद थे। ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता बड़े तिलक एहतशाम के साथ सवारियां आई, और जो नाका सबसे पहले आया, अभी उसको बिठाया भी नहीं गया
बिहारी जी बैठी थी इधर। मालूम नहीं, छोड़िए, मालूम नहीं अब दिले ज़ैनब में क्या क्या है, मालूम नहीं क्या क्या शिकायतें करना चाहती है, मालूम नहीं क्या क्या कहना चाहती है। वो जलाले ज़ैनब, वो असदुल्लाह की बेटी के चेहरे का रंग सुर्ख हो जाना उस रंग का, और उस जलाल के आलम में जल्दी जल्दी रौदे तक जाना और रौदे के दरवाजे को दोनों तरफ से थामना। गरीब को देख के कहना नाना पहचानते हो ज़ैनब आई है, ज़ैनब। भाई है नाना, अस्सलाम अलैका या जद्दा, नाना मेरा सलाम लो। नाना सफर से आने वाला तोहफा लाता है, तोहफा भी लाई हूं, तोहफा भी लाई हूं, दूरी नहीं आप दूरी नहीं, सिर्फ दिखाऊंगी, मांगा किसी और ने है, मांगा किसी और ने है, आपको नहीं दूंगी, सिर्फ दिखाऊंगी कि नाना ये तेरे नवासे का कुर्ता है। और उसके बाद आगे बढ़ गई, जरीफ पर सर रख दिया और कहा नाना क्या इसकी जरूरत है कि ये कहूं, नाना जरा मेरे बाजुओं को तो देखो, नाना मेरे मसान हाय मसान को देखो।